अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। तो इस कॉम्बिनेशन को आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें, फ़िश मसाला ग्रेवी विद ज़ीरा राइस। तो इसे बनाकर अपने घर वालों के साथ शेयर करें। इसे आप लंच के टाइम पे बनाइए, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो आइए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़िश को रेडी करेंगे। फ़िश रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो फ़िश ले लिया है। आप कोई सा भी फ़िश ले सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक प्याज को ग्राइंड कर लिया है, एक बड़े प्याज को। तो इसे भी मैंने फ़िश में डाल दिया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे नमक। नमक यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए नमक। अब हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप तीखा पसंद कम करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, यानी 1 टेबल स्पून ले लीजिए। अब हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसे हाथों से ही मिक्स करिए। हम हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसे बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है, तो ऐसी फ़िश आप एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। तो इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें डाला है मैंने सरसों तेल। कोशिश करें कि आप सरसों तेल का ही यूज़ करें। मैंने इसमें 150 ग्राम तेल डाल दिया है, यानी सरसों तेल। मैंने यहाँ पे राई और मेथी लिया है मिक्स करके 1/2 टेबल स्पून, और इसे डाल करके हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे ही। तो ये ब्राउन हो चुका है मेथी और राई। इसमें हम डाल रहे हैं फ़िश। इसे हम तेज़ी से बंद करेंगे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ही गर्म है। मैंने सारी फ़िश को डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1/2 ग्लास। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है, और इसे हम चलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमें यहाँ पे स्पून का यूज़ नहीं करना है, मतलब इस फिश को बनाने के लिए हमें स्पून की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बस हम इसे थोड़े थोड़े देर पे हाथों से मिक्स करते रहेंगे इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस इस तरह से ही हमें राउंड राउंड करना है। तो ये फ़िश आधी रेडी हो चुकी है। मैंने इस पे ऊपर से धनिया की पत्ती छिड़क दिया है, और वापस से इसे हम बस हिलाते रहेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह की आप फ़िश एक बार बनाकर अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से हमें ये राउंड राउंड घुमा देना है। फ्रेंड्स, तो हमारी फ़िश बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, और शेयर करना ना भूलें हमारी रेसिपी को। इस फ़िश को बनाने में सिर्फ 15 मिनट ही लगता है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। देखिए कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है। अगर आप फ़िश पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, यानी ज़ीरा राइस बनाने के लिए। मैंने एक डीप कढ़ाई ले लिया है, इसमें डाला है 4 से 5 चम्मच रिफाइन ऑयल।
इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 हरी इलायची। आप इसे बीच से क्रैक कर दीजिए। अब इसे हम ढक देंगे। जब ज़ीरा लाल हो जाएगा तब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालते टाइम पे आप ध्यान रखें क्योंकि तेल उड़ के आपके ऊपर जा सकता है, इसलिए ध्यान से रखें पानी को। मैंने ज़ीरा राइस को बहुत ही इजीली बनाकर रेडी किया है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी हो जाएगा आपका ये ज़ीरा राइस और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए हमें ज़ीरा राइस बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक। नमक मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। तो इसे अब हम ढक देंगे, फ्लेम को हमें हाई रखना है। तो पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें अब हम चावल को डाल देंगे। चावल को मैंने पहले 1 घंटे पहले मैंने भिगा दिया है, आप कोई सा भी चावल का बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम चावल को इसमें डाल देंगे पानी में। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें वापस से इसे ढक देना है। फ्रेंड्स देखिए, चावल में बॉईल आ चुका है और पानी भी 50% सूख चुका है इसका। इसे अब हम मिक्स कर रहे हैं। मैंने 1 kg चावल के लिए 1 लीटर पानी का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती छिड़क रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर दीजिए। और इसे थोड़ी देर के लिए और ढककर छोड़ देंगे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे, 5 से 7 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ज़ीरा राइस भी बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैंने सर्व कर लिया है 1 प्लेट में। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी इंस्टा आईडी भी है, तो आप उस पर भी हमें फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे सर्व किया है ज़ीरा राइस, और उसके ऊपर से मैंने फ़िश डाल दिया है थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। तो आप भी इस तरह से सर्व करिए। तो आज की रेसिपी आप बनाइए और खाने के बाद हमें बताइए कि कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।